के सिविल लाइन स्थित उदयपुर हाउस का कब्जा राजस्थान सरकार को मिलेगा। अब तक इस पर दिल्ली सरकार का कब्जा था। दिल्ली के सिविल लाइन में स्थित 12,000 वर्ग मीटर में फैला करीब 1500 करोड़ की कीमत वाला उदयपुर हाउस राजस्थान सरकार को सौंपे जाने को लेकर दिल्ली सरकार ने सहमति दे दी है। कहा जाता है कि आज़ादी से पहले ये उदयपुर के महाराणा का निवास था। आज़ादी के बाद से ये संपत्ति राजस्थान सरकार के हिस्से में आ गई थी। राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि आज़ादी के बाद राजस्थान सरकार ने उदयपुर हाउस दिल्ली सरकार को किराए पर दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1965 के बाद किराया देना बंद कर दिया। उसके बाद लगातार कागजी कार्रवाई चलती रही, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। मामला कोर्ट में चला गया और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों सरकारों में आपसी सहमति बन गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में दिल्ली सरकार उदयपुर हाउस राजस्थान सरकार को सौंपने का सहमति पत्र पेश किया जाएगा। बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने दिल्ली सरकार को इसके बदले में इसी कीमत की जमीन कहीं और देने का विकल्प दिया था, लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल की अड़चन की वजह से समझौता नहीं हो सका था। दिल्ली में स्थित राजस्थान सरकार की संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए पिछले 10 साल से प्रयास चल रहे थे। इस क्रम में बीकानेर हाउस का कब्जा तो ले लिया गया, लेकिन उदयपुर हाउस का नहीं लिया जा सका था। इस पर अब सहमति बन गई है। न्यूज डेस्क।